Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always Exposes Darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो इस तरह से है, हम देखेंगे आपके जिंदगी में थ्री इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आप बोल सकते हैं या थ्री ब्लेसिंग्स दैट आर डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस. टाइमलेस है, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस, आप जानते ही हैं. सो लेट्स सी, यूनिवर्स फिर गाइड्स, प्लीज गाइड करें. हम हमेशा ही चाहते हैं हम को बड़ों से आशीर्वाद मिले, सब से आशीर्वाद मिले, ताकि हम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े. हमारे ज़िंदगी में ऐसा घटनाएं ज़रूर होने चाहिए जो हमारे लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें, ना कि नेगेटिवली. सो आज हम जानेंगे वो सारे इवेंट्स जो आपके ज़िंदगी में को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा. सो द फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट करके हम आपको बता देंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज गाइड करें. सॉरी, द फर्स्ट वन इज अ सेल्फ लव. ओके, गॉड ब्लेस अदर सोल्स. ओके, विक्टिम कॉन्शियसनेस. यहाँ पे है करेज, यहाँ पे है अल्केमी. वी डू हैव द प्रोकास्टिनेशन. यहाँ पे है हमारे पास होल इन द सोल. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है साइकल्स. काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, सो प्लीज़ लास्ट तक देखना है आपको, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए. यहाँ पे है सेल्फ लव, मुझे दिख रहा है. ओके, आप ना, जस्ट मुझे आपको एक हिंट्स देना है. आप तब से अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू किए हो जब आपको प्यार के बदले हेट मिला है. जब आपको प्यार के बदले, मैं नहीं बोल रही हूँ वो प्यार आपने अपने सोलमेट से किया हो या कोई ऐसा पर्सन से, बट जिस किसी से भी आपने किया है, आप पहले अपने ऊपर बिल्कुल केयर नहीं किया करते थे, बट आप अपने आप ऊपर तब फोकस किए, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया जब आप अपने ऊपर नज़र डाले. ठीक है, तो ये आने वाला है 36, 8, 25, 30, 12, 24 and 6. तो 6 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, 7, 12 दैट इज 3, 24 दैट इज 6, 6 इज इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स सी मोर, हम टैरो से देखेंगे ताकि हमें और भी इंफॉर्मेशन मिले एंड देन वी विल स्टार्ट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अवश्य आने वाला है. द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन दर लाइफ, थ्री ब्लेसिंग्स इन दर लाइफ. एक्चुअली आई गॉट कफ एंड कोल्ड एंड आफ्टर दैट आई रिकवर. थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेस, स्टिल लिटिल बिट इज लेफ्ट. थोड़ा सा भी बाकी है रिकवर होना. ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है सिक्स ऑफ कीज इन क्रेसेंट मून. ओके, वी डू हैव द फोर ऑफ रोजेस, यही मैं आपको बोलने वाली थी. द क्वीन ऑफ कीज, ग्रेट. वी डू हैव द एट ऑफ फोर्सेस, ग्रेट. वी डू हैव द यूरियल एंड द स्पिंक्स, वंडरफुल. वी डू हैव द आर्कएंजल गैब्रियल, ग्रेट. We do have Archangel Raphael. So Archangel Gabriel and Archangel Raphael both are with you guys. यहाँ पे again 6 is important. 6, 4, 8, 21 that is 3. And मुझे दिख रहा है 3 से 6 दिन के अंदर कुछ तो धमाका होगा. और 3 जो मैंने आपको बताया था, 3 most important blessings आप बोल सकते हो, 3 most important events आप बोल सकते हो, वो तो पक्का होके रहेगा. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है, एरीज लियो सजिटेरियस है, लियो टॉरस एक्वेरियस स्कॉर्पियो है,
Libra is there, Cancer, Pisces, Scorpio is there, Pisces is there. Revati nakshatra, Hasta nakshatra, yahan pe Uttara Falguni nakshatra, Rohini nakshatra, Shatavisha nakshatra, Pushya nakshatra, Punarvasu nakshatra is very important. Anyways, Dhanishtha is also there. अभी हम बात करते हैं कि क्या होने वाला है. जैसा मैंने आपको कहा कि आपने अपने ऊपर तभी फोकस करना स्टार्ट किया जब आप हार्ट हुए, जब आप रियलिटी को जाने और आप अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग महसूस किए. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट विल बी हैपनिंग इन योर लाइफ दैट इज़ आप सिर्फ अपने आप को ही फोकस कर रहे थे. ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज दैट जब आप खुद को, जब आप सारे लोगों को एक साथ इस दर्पण में नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, दिस इज द व्यूज ऑफ द ईगो, बट यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है कि पहले जब होता था ना तो आप ना कंपेयर करते थे, अरे इनका इतना, मेरा इतना, उसका इतना. ठीक है, एंड देन यू गॉट कन्फ्यूज कि आपको क्या करना है. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट या आप बोल सकते मेजर इवेंट दैट कैन हैपन टू यू इज दैट दैट यू विल गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, सेल्फ प्रायोरिटी. ठीक है, उसके वजह से आपकी इम्प्रूवमेंट पक्का है क्योंकि आप का नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होगा. इससे आपको अपना मिस्टेक्स भी अच्छा से फाइंड आउट आप कर पाएंगे, इससे क्लियर भी आप देख पाएंगे, इससे आपकी नज़रिया जो है वो लोगों के लिए भी बदल जाएगा. एंड एडिशनली ये भी होगा आपके साथ कि आप अपने आप को कौन सा पोजीशन में देखते हो ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. मतलब वेयर यू आर एंड वेयर यू विल बी. ठीक है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप अपने आप को कहाँ पे देखोगे, आप अपने आप को एक सुप्रीम पोजीशन में देखोगे जहाँ पे आप लोगों का रक्षक बनेंगे और भक्षक से लोगों को बचाएंगे. पहले शायद आपका ऐसा हालत था कि आप खुद को डिफेंड ही नहीं कर पाते थे, सेल्फ डिफेंड नहीं कर पाते थे. ठीक है, बट आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना एंथुसियाज्म, इतना पावर, इतना डिटर्मिनेशन, ठीक है, दैट यू विल बिकम द प्रोटेक्टर फॉर मेनी पीपल. सो पीपल विल सी यू एज अ प्रोटेक्टर. जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि ताबीज़ पहनते हैं ताकि प्रोटेक्शन रहे, राइट, ऐसा हम मानते हैं. अभी क्या है ना, तो पीपल विल सी यू एज अ हीलर, एज अ मैसेंजर. आप शायद लोगों के लिए एक मसीहा बनेंगे, वो मुझे दिख रहा है. एंड यू विल फाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कोई भी सिचुएशन से आप फाइट करेंगे और अपने आप को आप प्रमाण करेंगे कि आप सही है. और जब आप प्रमाण कर पाएंगे आप सही है तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके लिए ऑब्वियसली ओपन हो रहा है. सो व्हेन यू आर बीइंग सो कैपेबल दैट यू कैन फाइट एनी सिचुएशन, जब आप कोई भी हालात को इतना अच्छे से हैंडल कर रहे हैं. नाउ व्हेन इन ऑफिस फॉर एग्जांपल, इसको मैं हमेशा ही लॉजिकली एस्टेब्लिश करती हूँ. मैं जानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी इज सच अ टॉपिक दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑलवेज लॉजिकली, बट देर आर लॉजिकल एग्जाम्पल्स. अगर कोई सिचुएशन काफ़ी टफ जा रहा है ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लॉस है, रिसेशन है, जॉब कट्स हो रहे हैं, आपके कट नहीं होंगे क्योंकि आप अपने आप को राइट प्रूफ करेंगे. आपको अगर लूज किया कंपनी ने तो कंपनी वो कोहिनूर को खो देगा जो आप हो. एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट कैन हैपन इन योर लाइफ. ज़रूरी नहीं कि तुरंत हो, बट होगा तो वो ज़रूर. यू आर दैट कोहिनूर, यू आर दैट. ठीक है, यू आर दैट पर्सन जो कोई भी चीज़ों से एक मैजिकल चीज़ क्रिएट कर सकता है. यू आर दैट एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन. मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में आपकी सेकेंड ब्लेसिंग इज़ लाइक दैट, सेकेंड इम्पॉर्टेंट इवेंट इज़ लाइक दैट कि आप कोई भी काम तुरंत कर लेंगे, तुरंत निपटा लेंगे और समय भी बचा देंगे. एंड यू विल ऑल्सो, मे बी आप हो सकता है कि प्रॉपरली आप बहुत कुछ सेक्टर्स में अपना इनोवेटिव टेक्निक्स को
अपनाने के लिए, मतलब यू विल जस्ट मेक अ रिमार्केबल पोजिशन फॉर योर सेल्फ। सो आपकी फैमिली भी, आपके आसपास के लोग भी गर्व महसूस करेंगे कि वो आपके सामने हैं। सो यू विल बिकम द इन्वेस्टर, मे बी यू विल बिकम द, यू कैन से लाइक इन्वेस्ट इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपके पास अधिक से अधिक पैसा होगा, कहीं ना कहीं पे आप उसको री इन्वेस्ट करेंगे, उससे फिर कमाएंगे, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में इसलिए डिले है बिकॉज सैटर्न इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग योर चार्ट, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। सैटर्न आपके चार्ट को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव दे रहा है, बट सैटर्न जब अपने कार्मिक लेसन्स को सिखा देते हैं तब वो देते हैं इन अबंडेंस, तब छप्पर फाड़ के देते हैं। सो व्हेन सैटर्न इज गिविंग यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, यू आर रिसीविंग दैट। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड तब आपको इतना भी एहसास नहीं होगा, एक मैसेंजर जो आपके साथ हमेशा रहेंगे, आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल रफ़ाइल, जो आपको डिफ़िकल्ट पोजिशन से, अगर हम बोले कि फरिश्ते है, देखिए यहाँ पे भगवान जो भी है, यूनिवर्सल एनर्जी जिसको भी आप विश्वास रखते हैं, कॉस्मिक एनर्जी जिनको भी आप मानते हैं, नेचर, आपके गुरुजी, आपके भगवान जो भी है, सो वो आपको जिस दर्द में आप हो करेंटली, आई कैन फील द पेन दैट इज़ अ होल इन द सोल, कैन यू अंडरस्टैंड दैट, मतलब हमारी रूह में अगर छेद हो जाता है, अब समझ जाओ, मतलब यू हैव बिन ब्रोकन इन टू पीसेस, लाइक मतलब आप सिर्फ टूटे नहीं हैं, आपकी रूह को जब चोट पहुंचाया गया है तो कितना हद तक आपको कष्ट मिला है। सो यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस हॉरिबल सिचुएशन, तो रिलीफ इज कमिंग फॉर यू। थर्ड थिंग इज द रिलीफ, पेन क्योर, हीलिंग, अ सूदिंग एनर्जी जो आपके माइंड को, आपके मसल्स को रिलैक्स कर दे, उस तरह की एनर्जी, और वही आपको प्रमोट कर रहे हैं सेल्फ लव के तरफ जो आप करने वाले हैं। आप ऐसा, आप शायद अगर मैरिड है, आप हमेशा ही अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, बच्चे, पूरी फैमिली बस भूल जाते हैं अपने ऊपर। सो यू स्टार्ट टेकिंग केयर फॉर यू एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस सर्टेन थिंग्स जो आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके बॉडी के लिए बेस्ट हो, बिकॉज यू विल रियलाइज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पोररी, नथिंग इज परमानेंट। सो वन थिंग इज विच इज परमानेंट इज द सोल। सो सोल इज इमॉर्टल, उस सोल को डेवलप करना, एक्सपेंशन करना, वो आपके मकसद में आएगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट रीडिंग टुडे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि लास्ट तक आप देखना जरूर। यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि ठोकर खा के आप सीख रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये था कि आप उन लोगों को उस वक्त पहचान नहीं पाए जिस वक्त आपको पहचानना था, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी आप इजिली झांसे में आ गए किसी के, और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको भी प्यार चाहिए था, उस इंसान ने फायदा उठाया, आपको भी शादी करनी थी और उसने भी देखा वो चीज़, इसने भी ऐसा किया, आपको अपने परिवार से सुख चाहिए था, बेसिकली सब ने ऐसा सोचा कि ये इस तरह से है तो हम इस तरह से भी फायदा उठा सकते हैं। समटाइम्स कार्मिक पार्टनर्स कैन ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ आवर फैमिली, बट इट हैपन्स रेयरली, बट कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। ओके, सो द मेटल किंग, देखा, डिसिप्लिन, आर्मर एंड बाउंड्रीज, यू आर दैट पर्सन, ठीक है, जिनको लोग छूने से भी डरेंगे। ओके, द वाइज वुमेन ऑफ वंडरलैंड, इंटीग्रिटी, कॉम्प्रोमाइज, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे दो बार आया। ट्रैवल आपका होगा और जितना ट्रैवलिंग करेंगे उतना ही आपकी नॉलेज, उतना ही आपके माइंडसेट चेंज होगा, उससे आपकी जोन, होराइजन जो है वो बढ़ेगा, आपका लेवल ऑफ एक्सेस बढ़ता जाएगा। सोल जनरली लेवल एक्सेस करता है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल, और लेवल, और लेवल ऊपर उठता है। द वर्ड लॉर्ड, कम्युनिकेशन, प्रेज एंड डिसऑनेस्टी,
जितने भी आपको हथियार चाहिए थे, मतलब गुड वंस टू राइट टू प्रोटेस्ट, मे बी यू बिकम इन द फ्यूचर, मुझे दिख रहा है यू आर राइटिंग सो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, आप कुछ अपने ही लैंग्वेज पर लिख रहे हैं कुछ ऐसे किताब को, कुछ ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्स को जो पढ़ने के बाद लोगों के होश उठ जाएंगे, मतलब यू आर ओपनिंग दैट थिंग, द स्पिरिट विस्पर, डिवाइन गाइडेंस एंड हायर नोइंग, आई टोल्ड यू थ्री नंबर। सो ये थ्री लास्ट में आया, यही प्रूव करता है कि रीडिंग में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम करें एंड डेफिनेटली लिखें, यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस एवरी वन एवरी सोल, ताकि आपको वही रिटर्न में मिले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड